हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान हुआ। वहीं नैनीताल और उधम सिंह नगर में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए खुद कमान संभाली, जिसके तहत उन्होंने सभी पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। बता दें, रामनगर विधानसभा सीट में 93 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां 146 बूथों पर 22,553 महिला और 58,794 पुरुष वोटर थे, यानी कुल 1,21,351 मतदाताओं ने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला लिया। वहीं नैनीताल जिले में 100 से ज्यादा संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ थे। ऐसे में उनका निरीक्षण करने के लिए खुद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और डीआईजी नीलेश भरने रामनगर पहुंचे। शांतिपूर्वक मतदान चले और जो चुनाव आयोग के समस्त गाइडलाइन है, नियम है कोविड और मतदान के, वो पूर्ण रूप से पालन हो और जो है लोग निर्भीकता से मतदान करें, ये पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें सभी जगह जो है 24 घंटे पहले कई जगहों पे जो है हमने अपने हेल्पलाइन नंबर फ्लैश किए हुए थे, थानों के 100 नंबर, तो कई जगह कल शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो उसके लिए कल विशेष तौर पे अलग से एक्स्ट्रा मोबाइल पार्टियां अगर लगाई गई थी, तो कल रामनगर की भी एक शिकायत थी जिसमें मोबाइल पार्टियां हमारी गई थी, पैरामिलिट्री गई थी, मौके पे जो है वो सर्च वगैरह किया गया था लेकिन कुछ इस तरह से पाया नहीं गया। बाकी जो कुछ भीड़ जमा थी तो उसको जो है भीड़ को तितर बितर करके बाकी कल से तो सामान्य स्थिति है, मतदान भी शांतिपूर्वक चल रहा है सभी जगह। इसमें मैं और डीआईजी साहब दोनों दौरे पे हैं, अभी नैनीताल के कुछ बूथ हमने देखे हैं, कालाढूंगी देखा है, अभी रामनगर में हैं और कुल मिला के ये कहना चाहूँगा कि पोलिंग पीसफुल चल रही है। काफ़ी जगह मैंने विजिटर्स बुक में एंट्री भी की है। अब बाहर की जो व्यवस्थाएँ हैं वो भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री लग रही हैं। अभी इनफैक्ट ये तो आदर्श बूथ भी है, इसको मैं अभी देखने गया था, इधर की भी व्यवस्थाएं ठीक हैं। कुछ जगहों पे समाचार मिला था कि ईवीएम्स ख़राब हुई हैं, उनको रिप्लेस कर दिया। नहीं, इसमें एक सीनियर स्तर से भी हम इसको दिखवा लेंगे, अगर आपको लगता है या किसी को भी लगता है कि किसी स्तर से कोई चूक हुई है उसको दोबारा दिखवाया जाएगा। और जहां तक किसी तरह के प्रलोभन की बात है, इसमें आप लोग लगातार शिकायत कर सकते हैं। ऑब्जर्वर साहब भी यहाँ पे हैं, उनको भी आप सीधे बता सकते हैं, 100 नंबर भी बता सकते हैं, कहीं पे इस तरह का कुछ हो तो हमारे संज्ञान में आए, इसमें तत्काल कार्रवाई। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।